Hello students, my name is Aman Sharma. Today we are going to start the next chapter, that is indices, or we call it exponents. So first of all, subscribe this channel for the new videos and like the videos and share the videos with your friends. Okay, so exponents we have already studied in the previous classes. This is a raised to power m, where a is base, m is power. तो हम इसे कैसे बोलते हैं, a रेज टू द पावर m. नाउ इसके कुछ लॉज हैं, एक है प्रोडक्ट लॉ, अगर किसी a की पावर m है इंटू a की पावर n है तो ये यहां पे हमारे बेसिस सेम है, पावर मस्ट बी एडिड. ये किसके इक्वल आएगा, a रेज टू पावर m प्लस n. फॉर एग्जांपल 2 raise to power 3 multiply by 2 raise to power 2. इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 2 raise to power 3 plus 2, that is 2 raise to power 5. This is your first law, that is product law. Second law is your quotient law. A raise to power m upon a raise to power n. अगर same base वाली terms division में हो तो क्या होता है, a raise to power m minus n. यहाँ पे सेम बेस वाली टर्म्स मल्टीप्लिकेशन में थी तो सिंपल एक बेस लिख के पावर्स ऐड हो गई. सेम बेस वाली टर्म्स डिवीजन में है तो पावर माइनस. ए रेस्ट पर 7, ए रेस्ट पर 3, इसे कैसे लिख सकते हैं, ए रेस्ट पर 7 माइनस 3, दैट इज ए रेस्ट पर 4. थर्ड इज पावर लॉ. ये सारे आपकी बुक में भी मेंशन है, a रेस्ट टू पावर m, अगर इसकी होल की पावर n हो तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, a रेस्ट टू पावर m मल्टीप्लाई बाय n. सो a रेस्ट टू पावर 2 होल पावर, a रेस्ट टू पावर 3 रेस्ट टू पावर 2, इसे क्या लिख सकते हैं, 3 टू द 6, तो ये रेस्ट पर 6 बन जाएगा. ये इसे इंटरचेंज भी कर सकते हैं हम, ए रेस्ट पर एम रेस्ट पर एन को हम ए रेस्ट पर एन रेस्ट पर एम भी लिख सकते हैं, बिकॉज दोनों का मीनिंग मल्टीप्लिकेशन ही है. सो ये आपके 3 मेन इंपॉर्टेंट लॉज थे. और स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट बात, जहां पे स्टूडेंट आप गलती करते हो बेटा, ये ध्यान से देखो, ये मल्टीप्लाई है, जब दोनों पावर्स वाली टर्म विद द सेम बेस उनको मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे प्लस का साइन है. स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ए रेस्ट टू पावर एम होता है प्लस ए रेस्ट टू पावर एन होता है, इस केस में आप अप्लाई करना शुरू कर देते हो तो वो रॉन्ग है. जब सेम बेस और पावर हो, बेस सेम हो और पावर अलग अलग हो और बीच में मल्टीप्लीकेशन हो, प्लस का साइन नहीं चलेगा. मल्टीप्लीकेशन हो तभी आपने पावर्स को ऐड करना है. सेम वे में ये डिवीजन में है, इसे आप ए रेस्ट टू पावर एम ऐसे भी आ सकता है, ए रेस्ट टू पावर एन, तो ये क्या हो जाएगा, ए रेस्ट टू पावर एम माइनस एन. पर अगर डिवीजन की जगह अगर माइनस हो तो आपने ये नहीं सब्स्टिट्यूट करना. ये कुछ और टर्म्स भी दी हुई हैं, जैसे ए रेस्ट टू पावर एम ए इंटू बी रेस्ट टू पावर एम, इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, ए रेस्ट टू पावर एम मल्टीप्लाई बाय बी रेस्ट टू पावर एम. सेम वे में अगर डिवीजन में है तो भी आप इंडिविजुअल पावर्स लिख सकते हो. बट एक बात का ध्यान रखना, अगर प्लस में है एम पावर तो आप नहीं लिख सकते. ये आपका नहीं होगा. अगर पावर यहां पे मल्टीप्लाई है तो आपने ए रेस्ट पर एम एंड मल्टीप्लाई बाय बी रेस्ट पर एम लिख सकते हो, बट अगर बीच में प्लस का साइन है तो ये लॉ एप्लीकेबल नहीं है, ये रूल एप्लीकेबल नहीं है. अगर आपका है ए रेस्ट पर एम अपॉन एन, इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, एनथ रूट ए रेस्ट पर एम,
इसका मतलब क्या होता है, वन बाय एन, इसे आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हो। स्टूडेंट अगर यहाँ पे लिखा हुआ है ए रेस्ट बा एन, इसे आप ए रेस्ट बा माइनस एन भी लिख सकते हो। जब हमने इस टर्म का रेसिप्रोकल कर लिया तो पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव। ए रेस्ट बा एन, जब हमने इस टर्म का रेसिप्रोकल कर लिया तो पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव। ए रेस्ट बा अगर माइनस एम लिखा हुआ है, ये क्या आ जाएगा, ए रेस्ट बा एम। सो जब भी आपने रेसिप्रोकल कर लेना है, अगर पावर नॉन जीरो है तो ये जो पावर है इसके साथ नेगेटिव साइन आ जाएगा, अगर इसे ऊपर लेके जाओगे तो भी नेगेटिव, अगर नीचे लेके जाओगे तो भी नेगेटिव। नाउ नेक्स्ट इज एनीथिंग रेस्ट टू पावर जीरो इज इक्वल टू वन। सो आपने ये बात याद रखनी है, ए रेस्ट पावर जीरो इज इक्वल टू वन, सेवन रेस्ट पावर जीरो इज इक्वल टू वन। सो एनीथिंग रेस्ट पावर जीरो इज वन, किसी की पावर अगर जीरो है तो दैट टर्म इज इक्वल टू वन। ओके स्टूडेंट्स, ये जो हमने सारे रूल्स एंड लॉज पढ़े हैं ये अब हमने अप्लाई करने हैं। सो लुक एट योर फर्स्ट क्वेश्चन, थ्री रेस्ट पावर थ्री टू फोर, थ्री रेस्ट पावर माइनस टू बाई थ्री मल्टीप्लाई बाय नाइन रेस्ट पावर माइनस वन बाई थ्री। तो इसे ऐसे ही रहने दो, इसके फैक्टर्स बनाओ तो आप देखोगे इसके फैक्टर्स बनेंगे फाइव टाइम्स मल्टीप्लिकेशन ऑफ थ्री। नाइन के फैक्टर्स क्या होंगे, थ्री इंटू थ्री। कुछ नहीं किया हमने, सिर्फ जितनी भी टर्म्स हैं उनके फैक्टर्स बनाए और हम सबसे लोएस्ट फॉर्म में ले आए इन्हें, थ्री वाली फॉर्म में आगे सारे। ये क्या हो जाएगा, थ्री रेस्ट पावर फाइव, क्योंकि फाइव टाइम्स है थ्री, इसकी पावर टू बाई थ्री। थ्री रेस्ट पावर टू की पावर माइनस वन बाई थ्री। अब पहले हम इसके ऊपर लो लगाएंगे, कौन सा लो लगेगा, ए रेस्ट पावर एम रेस्ट पावर एन, क्या होता है वो, ए रेस्ट पावर एम मल्टीप्लाई बाय एन, थ्री क्यूब मल्टीप्लाई बाय फाइव मल्टीप्लाई बाय माइनस टू बाई थ्री। थ्री टू मल्टीप्लाई बाय माइनस वन बाय थ्री। सो इन दोनों में ये चीज एप्लीकेबल है। फाइव इंटू टू माइनस टेन, फाइव इंटू माइनस टू माइनस टेन, टू इंटू माइनस वन माइनस टू बाय थ्री। अब यहाँ पे तीनों के बेस क्या है, थ्री थ्री थ्री, तो तीनों के बेस सेम है तो कौन सा रूल लगेगा, ए रेस्ट बाय एम मल्टीप्लाई बाय ए रेस्ट बाय एन, क्या होता है ये, ए रेस्ट बाय एम प्लस एन, प्रोडक्ट लॉ का फर्स्ट रूल, फर्स्ट लॉ आपका जो है प्रोडक्ट लॉ। थ्री रेस्ट बाय थ्री प्लस माइनस टेन बाय थ्री प्लस माइनस टू बाय थ्री। ओके, तीनों पावर्स को ऐड करना है तो ये इनका एलसीएम ले लो पहले ही, वन थ्री एंड थ्री का एलसीएम हो गया थ्री। सो थ्री इंटू थ्री नाइन माइनस टेन माइनस टू, ठीक है, बन गया आपका थ्री रेस्ट टू पावर नाइन माइनस ट्वेल्व अपॉन थ्री, क्या आ गया, थ्री रेस्ट टू पावर माइनस थ्री बाय थ्री। थ्री एंड थ्री की कटिंग होगी, थ्री रेस्ट टू पावर माइनस वन, सो वन बाय थ्री इज योर आंसर। कुछ नहीं, हमने सिंपल इन तीनों को ऐड किया है, एलसीएम लिया, सोल्व किया, थ्री से थ्री की कटिंग होगी, ये वन आ गया, थ्री रेस्ट पावर माइनस वन, दैट इज वन बाय थ्री इज योर आंसर। तो ध्यान से नोट कर लो, तो योर फर्स्ट क्वेश्चन इज डन। ओके स्टूडेंट्स, सेकेंड पार्ट इज योर होमवर्क, सो दिस इज योर थर्ड पार्ट।
सो 27 125 रेस्ट हुआ 2/3, 9/25 रेस्ट हुआ -3/2। 27 के फैक्टर्स अगर आपको याद हो क्या होते हैं, 27 के फैक्टर्स 3 × 3 × 3, तो 27 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 का क्यूब, 125 को 5 का क्यूब। सेम वे में 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 स्क्वायर, 25 को 5 स्क्वायर। ओके, हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था a अपॉन b अपॉन, अगर सेम है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, a अपॉन b रेस टू पावर m। हमने इसका रेसिप्रोकल किया था, a अपॉन b रेस टू पावर m थी तो दोनों की पावर m लिख दी थी। अब यहाँ पे ये चीज़ हमें गिवन है, इसका हमें ये बनाना है, तो ये क्या 3 रेस टू पावर 3 है, 5 रेस टू पावर 3 है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 3 अपॉन 5 रेस टू पावर 3। इस टोटल की पावर क्या है, 2/3। सेम वे में यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 अपॉन 5 स्क्वायर टोटल की पावर -3/2। ये अब आपका बन गया a रेस टू पा m रेस टू पा n, क्या होता है ये, a m इंटू n। तो इसका मतलब ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में आ जाएंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 2/3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय -3/2। 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, सो यू आर लेफ्ट विद 3 अपॉन 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई विद 3 अपॉन 5 -3। ये क्या है, 3/5, ये भी क्या है, 3/5, दोनों टर्म 3/5 है, यानी a रेस टू पावर m मल्टीप्लाई बाय a रेस टू पावर m, दोनों के बेस तो सेम है बस पावर ही डिफरेंट है। सो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, 3/5 2 प्लस -3, आ गया आपका 2 -3 3/5 रेस टू पावर -1 विच इज इक्वल टू 5/3, क्योंकि हमने इसका माइनस पावर -1 है तो हम इसका रेसिप्रोकल कर देंगे और पावर खत्म हो जाएगी। इसे हम क्या कैसे लिख सकते हैं, 1 2/3, सो दिस इज योर आंसर। एक बार दोबारा से देख लो, 27 को हमने लिखा था 3 रेस टू पावर 3, 125 को 5 रेस टू पावर 3, 9 को 3 स्क्वायर एंड 25 को 5 स्क्वायर, देन कंबाइंड पावर इसकी क्यूब बन गई, इसकी स्क्वायर, इन दोनों पावर्स को मल्टीप्लाई किया, देन वी वर लेफ्ट विद 3/5 स्क्वायर 3/5 -3। बेसिस सेम है, पावर मस्ट बी एडेड, तो पावर्स को ऐड कर दिया, माइनस इंटू पॉजिटिव साइन इंटू नेगेटिव साइन माइनस, तो 2 -3 -1, तो इसका रेसिप्रोकल लिया और ये आपका आंसर। जब भी आपकी माइनस में पावर होगी जो आपकी बेस टर्म है उसको आप उसका रेसिप्रोकल ले लोगे। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 रेस्ट हुआ 0 मल्टीप्लाई बाय 25 रेस्ट हुआ -3/2 -5 रेस्ट हुआ -3, सो एनीथिंग रेस्ट हुआ 0 इज 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 25 को हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, बाकी सारा कुछ एज इट इज। ओके, सो ये क्या बन गया, 5 स्क्वायर, दोनों पावर m रेस टू पावर n मल्टीप्लाई हो जाएंगी, -3, 2 से 2 कैंसिल, ये क्या बन गया, 5 रेस टू पावर -3 -5 रेस टू पावर -3, दोनों सेम टर्म्स हैं, दोनों सेम टर्म्स को सब्ट्रैक्ट करो क्या आएगा, 0, दैट इज योर आंसर। इजी क्वेश्चन है, दोबारा से देख लो, 7 रेस टू पावर 0 इज 1, 25 को हमने लिख दिया 5 स्क्वायर, बाकी सारा कुछ एज इट इज, 1 को किसी टर्म से मल्टीप्लाई करो सेम टर्म आ जाता है आंसर। सो ये क्या था आपका, 5 रेस टू पावर m रेस टू पावर n वाला फॉर्मूला लगाया, 5 रेस टू पावर m मल्टीप्लाई बाय n, सो 2 मल्टीप्लाई बाय
इसे आप क्या लिख सकते हैं, 2/1, सो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे बचा 5/-3, यहाँ पे भी क्या था 5/-3, सेम टर्म्स सब्ट्रैक्ट किया तो आंसर 0। ओके स्टूडेंट, दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन, 16/81 - 3/4, 49/9 - 3/2, 343/216 - 2/3। ओके स्टूडेंट, 16 को हम कैसे लिख सकते हैं, 16 के फैक्टर्स बनाओगे 2 × 2 × 2 × 2, दैट इज 2^4। 81 को 3 × 3 = 9, 9 × 9 = 81, तो 3^4 ऐसे आप लिख सकते हो। 49 किसका स्केयर होता है, 7 का स्केयर, 3 का स्केयर 9। सो आप अगर आप डायरेक्टली नहीं कर पा रहे हो, आप सिंपल इसके फैक्टर्स बनाओ इन सभी टर्म्स के, आपको एंड में यही आंसर मिलेगा। देन 343 and 216, 343 7 का क्यूब होता है, 216 6 का क्यूब, ये आप याद कर लो तो बेटर है, 2/3 / 2/3। ओके स्टूडेंट्स, तो ये टर्म आपकी क्या हो जाएगी, 2/3 / 4 मल्टीप्लाई बाय -3/4, 7/3 / 2 मल्टीप्लाई बाय 3/2, डिवीजन में 7/6 / 3 मल्टीप्लिकेशन में 2/3। सो इन दोनों की हमने कंबाइंड पावर लिख दी 4, इन दोनों की कंबाइंड पावर आ गई 2, इन दोनों की कंबाइंड पावर आ गई 3। तो ये क्या था, m^n बन रहा था, तो m मल्टीप्लाई बाय n भी मैंने साथ में कर दिया सिंगल स्टेप में, 4 से 4 कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट, 3 से 3 कैंसिल आउट, ये बन गया आपका 2/3 - 3, 7/3 / 3, डिवीजन में क्या आ जाएगा 7/6 / 2। तो ये पावर नेगेटिव है, इस टर्म का रेसिप्रोकल हो जाएगा 3/2 / 3 मल्टीप्लाई बाय 7/3 क्यूब है, तो 3 टाइम्स हम लिख देते हैं, डिवीजन में क्या है, जो डिवीजन में टर्म होती है उसका भी रेसिप्रोकल हो जाता है, तो ये बन जाएगी 7/6 मल्टीप्लाई बाय 6/7, 6/6/7 दो बार आ जाएगा, 7 से 7 कैंसिल आउट, 3 टाइम्स लिख दो, 3 हमने इसका रेसिप्रोकल कर दिया तो ये डिवीजन वाला साइन मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचा है 2 × 2, सो 1 × 2 = 2, सो यू आर लेफ्ट विद 7 × 3 = 21, 21 × 3 = 63/2, 63/2 that is 31.5, तो दिस इज योर आंसर। उसके बाद सिंपल सिंप्लीफाई किया है, बेसिक मैथ्स है आपका, मल्टी डिवीजन वाली टर्म्स भी रेसिप्रोकल होगी, जो माइनस पावर वाली टर्म थी वो भी रेसिप्रोकल होगी, सारी टर्म्स को मल्टीप्लाई किया, जिसकी कटिंग हो रही थी कटिंग की, यू विल गेट योर आंसर। ओके स्टूडेंट, दिस इज योर सेकेंड क्वेश्चन, यू हैव टू सिंप्लीफाई दिस टर्म, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन राइट इट एज 8x³/125y³/2/3। 8x को हम कैसे, 8 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2³ × x³, इसे हम क्या लिख सकते हैं, 5³ × y³/2/3।
सभी टर्म्स की पावर क्या है, 3, फिर से हम लिख सकते हैं 2x अपॉन 5y रेज टू पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2/3, सो ये 3 से 3 कैंसिल आउट, यू आर लेफ्ट विद 2x अपॉन 5y होल स्क्वायर। उसके बाद 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, x का स्क्वायर x स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, y का स्क्वायर y स्क्वायर, दिस इज योर आंसर। एक बार दोबारा देख लो, सबसे पहले हमने 2 को क्या लिख दिया, 8 को क्या लिख दिया 2 क्यूब, 125 को 5 क्यूब। सो यहाँ पे सभी की पावर ये मल्टीप्लिकेशन में थी एंड डिवीजन में थी, और इनकी पावर क्या थी 3, सो मैंने कंबाइंड इनकी पावर 3 लिख दी, 3 मल्टीप्लाई बाय 2/3, इनकी कटिंग करो, सो यू आर लेफ्ट विथ 2x अपॉन 5y स्क्वायर, सो 4x स्क्वायर अपॉन 25y स्क्वायर, दिस इज योर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, a प्लस बी रेज टू पावर माइनस 1, डॉट का मतलब है यहाँ पे मल्टीप्लाई, बी रेज टू पावर माइनस 1 प्लस a रेज टू पावर माइनस 1 प्लस b रेज टू पावर माइनस 1, सो इसे सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा, क्योंकि पूरे की पावर क्या है माइनस 1, तो इसके टर्म का रेसिप्रोकल हो जाएगा, सो इसे डॉट ही रहने दो, ये a का a की पावर माइनस 1 1 बाय a, b की पावर माइनस 1 1 बाय b, यहाँ पे एलसीएम क्या आ जाएगा a इंटू बी, यहाँ पे b प्लस a, तो यहाँ पे a प्लस बी बन गया, यहाँ पे भी a प्लस बी, b प्लस a एंड a प्लस बी सेम बात, एक ही बात है, सो ये टर्म और ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, सो 1/ab क्या आपका आंसर, कुछ नहीं किया हमने, बस इन टर्म्स के रेसिप्रोकल कर लिए तीनों के, उसके वजह से सिंपल इसका एलसीएम लिया, a इंटू बी एलसीएम आ गया, सो ab को जब a से डिवाइड किया गया है b, यहाँ पे b से b इंटू 1 b, सेम ए बी को बी से डिवाइड किया गया ए ए इंटू 1 ए, वो कैंसिल आउट किया और ये आपका आंसर। ओके स्टूडेंट, थर्ड पार्ट सेकंड क्वेश्चन का, 5 रेज टू पावर एन प्लस 3 माइनस 6 इंटू 5 रेज टू पावर एन प्लस 1 अपॉन 9 इंटू 5 रेज टू पावर एन माइनस 5 रेज टू पावर एन इंटू 2 रेज टू पावर 2। ओके स्टूडेंट, ये क्वेश्चन करने के लिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, a रेज टू पावर m मल्टीप्लाई बाय a रेज टू पावर n, ये क्या होता है a रेज टू पावर m प्लस n, हम इसका रेसिप्रोकल यूज़ करेंगे, मतलब कि ये चीज़ हमें गिवन है, हम इससे ये चीज़ बनाएंगे, यहाँ पे क्या गिवन है 5 रेज टू पावर n प्लस 5 रेज टू पावर 3, मतलब a रेज टू पावर m प्लस n, 5 रेज टू पावर m प्लस n, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं 5 रेज टू पावर n मल्टीप्लाई बाय 5 रेज टू पावर 3 माइनस, ये क्या है 5 रेज टू पावर एन, इसे हम लिख सकते हैं 5 रेज टू पावर एन मल्टीप्लाई बाय 5 रेज टू पावर 1। नीचे आप देख सकते हैं दोनों में टर्म्स में 5 रेज टू पावर एन है, तो हम 5 रेज टू पावर एन कॉमन ले लेते हैं, तो यार क्या बचा 9 माइनस, इस टर्म में से 5 रेज टू पावर एन कॉमन लिया तो बचा 9 माइनस आई एज इट इज, यहाँ से 5 रेज टू पावर एन कॉमन बाहर चला गया, क्या बचा 2 रेज पर 2, 2 रेज पर 2 क्या होता है 4, ऊपर भी 5 रेज टू पावर n दोनों टर्म्स में कॉमन है, 5 रेज टू पावर n कॉमन ले लो, तो यहाँ पे क्या बचा 5 क्यूब कितना होता है 125 माइनस, इन दोनों टर्म्स में से 5 रेज टू पावर n कॉमन, यहाँ पे अंदर बचा 125, 5 का क्यूब 125 माइनस साइन एज इट इज, 5 रेज टू पावर n बाहर कॉमन चला गया, तो ये क्या बचा 5 इंटू 6 इंटू 5 दैट इज 30, 5 रेज टू पावर एन एज इट इज 9 माइनस 4 क्या होता है 5, ये कैंसिल आउट हो गया, 125 माइनस 30 कितना होता है 95 कौन 5, इनकी कटिंग के बाद आ जाएगा आपका 19, सो दैट इज योर आंसर। एक बार दोबारा ध्यान से देख लो, हमने क्या किया,
फाइव रेस्ट बाय एन प्लस थ्री को हमने लिख दिया फाइव रेस्ट बाय एन डॉट यानी मल्टीप्लाई बाय फाइव रेस्ट बाय थ्री, माइनस सिक्स फाइव रेस्ट बाय एन प्लस वन को लिख दिया फाइव रेस्ट बाय एन मल्टीप्लाई बाय फाइव रेस्ट बाय वन। इन दोनों टर्म्स में से फाइव रेस्ट बाय एन कॉमन आ रहा था, हमने कॉमन लिया, सो यहाँ पे क्या बचा, इस टर्म में से जब फाइव रेस्ट बाय एन कॉमन लिया यहाँ पे आया नाइन माइनस एज इट इज, इस टर्म में से फाइव रेस्ट बाय एन कॉमन लिया क्या बचा टू रेस्ट बाय टू दैट इज फोर। अब ऊपर वाली टर्म्स में भी फाइव रेस्ट बाय एन हमने दोनों टर्म्स में से कॉमन ले लिया, इस टर्म में से भी इस टर्म में से भी, तो जब इस टर्म में से कॉमन लिया यहाँ पे आया फाइव रेस्ट बाय एन, अंदर क्या बचा फाइव क्यूब, फाइव का क्यूब होता है 125, यहाँ से फाइव रेस्ट बाय एन बाहर कॉमन जा चुका है, यहाँ पे क्या बचा सिक्स एंड फाइव दोनों मल्टीप्लीकेशन में, सिक्स फाइव ज़ा थर्टी, यहाँ पे आ गया थर्टी। अब रेसिप्रोकल में क्या बचा था फाइव रेस्ट बाय एन, नाइन माइनस फोर कितना होता है फाइव, फाइव रेस्ट बाय एन कैंसिल आउट, यहाँ बचा फाइव, 125 माइनस 30 कितना होता है 95/5, इन दोनों की कटिंग कर दो आ जाएगा 19 आपका आंसर। दिस इज योर नेक्स्ट पार्ट, सो 3x² होल रेस्ट बाय माइनस 3 एक्स रेस्ट बाय 9 रेस्ट बाय 2/3, तो इसे क्या लिख सकते हैं हम, इसे सेपरेट आउट कर दो, 3 रेस्ट बाय माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय एक्स रेस्ट बाय 2/3 माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय एक्स रेस्ट बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 2/3, सो ये क्या हो जाएगा 3 3 9। एम रेस्ट बाय एन को हमने एम इंटू एन कर दिया, सो यहाँ पे भी कटिंग होगी और यहाँ पे पावर को इंडिविजुअली दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे 3 की पावर 1 थी तो ये हो गया 3 रेस्ट बाय माइनस 3 एक्स बार 2 थी 2/3 कितना हो गया माइनस 6। 3 रेस्ट बाय माइनस 3 को हम ऐसे ले सकते हैं नीचे जाके ये पॉजिटिव हो गई, सेम वे में ये हो जाएगा एक्स रेस्ट बाय 6 मल्टीप्लाई बाय ये क्या है एक्स क्यूब और ये क्या है 2, 3/2 कितना होता है 6, तो ये आपका कैंसिल आउट हो गया, तो आपका आंसर क्या आ गया 1/27। एक बार दोबारा देख लो, इन दोनों की पावर माइनस 3, इसकी पावर जब माइनस 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो माइनस 6 बन गया, 9 एंड 3 की कटिंग होगी, ये बना 3/2 6, ये 6 एक्स रेस्ट बाय 6 बन गया, ये रेसिप्रोकल में चला गया एक्स रेस्ट बाय 6 दोनों कैंसिल आउट हो गए, ये बन गया 1/3 क्यूब दैट इज 1/27, दिस इज योर आंसर। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, सो सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स।